शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो व्यक्ति अपने पूरे तन मन धन से एक दूसरे के साथ सात जन्मों के वादे कर सात फेरे लेकर इस बंधन में बंधते हैं। और शादी के बाद बात आती है सुहागरात की। हाँ, अब ये शब्द सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर अनाप शनाप भी बोले, लेकिन मतलब तो आपको भी पता है। बस समाज में इस शब्द को बोलना एक अजीबोगरीब चीज मानी जाती है, लेकिन अब ये समाज भी आगे बढ़ने लगा है, ऐसे में सुहागरात शब्द बोलना कोई गलत बात नहीं। खैर, मुद्दे पर आते हैं और आपको एक ऐसे डरावने सुहागरात की खबर बताते हैं जहां लुटेरी दुल्हन ने सुहागरात पर गहने के साथ साथ पति के प्राइवेट पार्ट को भी कुछ इस तरीके से लूटा है जिसे जान आज हर एक इंसान हैरान हो चुका है। ऐसे में पूरी खबर हम आपको बताएं, लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। शादी की पहली रात को सुहागरात कहा जाता है। ऐसे में ये सुहागरात सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। लोग अपनी शादी के बाद पहली रात अपनी दुल्हनिया के साथ बिताने को लेकर काफी उत्सुक भी रहते हैं, और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी उत्सुक रहती हैं। समाज के कुछ नियम कानून शर्म लिहाज में आकर भले ही कोई ये बोल नहीं पाए और कोई दूसरा भी बोले तो अरे ये क्या बोल रहे हो, ऐसी प्रतिक्रिया लोगों की सामने आती है। ऐसे में शादी के बाद सुहागरात ही पति पत्नी के नए जीवन की वह पहली रात होती है जिसमें वो दोनों एक साथ होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और आने वाले जीवन की नई शुरुआत करते हैं। ऐसे में कई लोग सुहागरात पर अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और कुछ लोग एक दूसरे को वक्त भी देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जिसके साथ वो सुहागरात पर अपने बिस्तर पर होगा वो इंसान ही उसको दोबारा बिस्तर पर आकर सेक्स करने के लायक नहीं छोड़ेगा, नहीं ना? लेकिन उत्तर प्रदेश से आ रही एक अजीबोगरीब खबर ये साबित कर रही है, जहां नई नवेली दुल्हन अपने पति के प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और वो भी अपने सुहागरात पर। ये हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है, जहां नई नवेली दुल्हन कोई ना कोई बहाना बनाकर सुहागरात मनाने से अपने पति को पहले मना करती है और दुल्हा भी कुछ समय तक उसकी बात मानता है, उसके हाँ का इंतजार करता है। ऐसे में जब एक दिन पति ने जबरदस्ती पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट को ही दांतों से काट दिया, जिसके बाद इस घटना से पीड़ित शख्स बिस्तर पर ही कराहने लगता है और गुस्से में आकर दूसरे कमरे में चला जाता है और उसी बात का फायदा उठाकर नई नवेली लुटेरी दुल्हनिया घर में रखे कैश और गहने लेकर वहां से फरार हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि उसकी शादी मिर्जापुर के विंध्याचल में 27 जनवरी को हुई थी और शादी को लेकर समारोह प्रयागराज में, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गेस्ट हाउस में हुआ। शादी के बाद ससुराल पहुंची महिला ने पति को सुहागरात के दिन भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिया। जब भी पति आसपास आता था तो वो उसे मना कर देती थी, उसके पास जाने से भी वो महिला कतराती थी। ऐसे में जब दूल्हे ने नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करनी चाही, उसके पास जाना चाहा, तो पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला और वहां से घर में रखे कीमती सामान और कैश लेकर वहां से वो फरार हो जाती है। ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसे ये दुल्हन कोई आम महिला नहीं बल्कि लुटेरी महिला लग रही है। ऐसे में दुल्हे की शिकायत के बाद इस लुटेरी दुल्हन को ढूंढा जा रहा है और जैसे ही वो मिलती है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में ये अजीबोगरीब मामला उत्तर प्रदेश का था और इसे बताने का मकसद हमारा आपको सिर्फ सतर्क करना था। शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने से पहले लड़का हो या लड़की दोनों को अच्छे से एक दूसरे को जान लेना चाहिए ताकि शादी के बाद ऐसी घटना ना हो और सिर्फ दो लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह ना हो। तो ऐसे में इसी जानकारी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।